नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों के लिस्ट में नाम आ गए, लोगों ने निर्माण कार्य पूरा कर लिया, लेकिन अब उन्हें बाकी बची राशि के एवज में रिश्वत मांगी जा रही है और कई लोगों से रिश्वत लेने के बाद उनको बाकी राशि उनके खाते में नहीं पहुंचाई जा रही है। मामला कुर्राह का है। कुर्राह से आए हुए लगभग आधा दर्जन ग्रामीणों ने कलेक्टर को एक शिकायती ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्होंने मकान बनाकर पूरा कर लिया है, लेकिन अब उनकी किश्त नहीं दी जा रही है। रोजगार सहायक आमिर खान पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि 15,000 रुपए की रिश्वत रोजगार सहायक द्वारा मांगी जा रही है और उन्होंने रिश्वत दे भी दी, इसके बावजूद उनके पैसे खातों में नहीं आए हैं। सरपंच खुद इस बात की शिकायत लेकर ग्रामीणों के साथ आए। सरपंच नासिर बेग ने कहा है कि योजना में किन किन लोगों को हितग्राही बनाया गया इसकी जानकारी खुद सरपंच को नहीं है और रोजगार सहायक ने मनमर्जी से अपना काम किया है। कुर्राहा से है, परेशानी ये है साहब कि हमें आवास योजना मिली थी तो मकान हमने पूरा अपना बनवा लिया है पैसे से। अब हमारे कहते थे कि अब डलवा देंगे, 17 में कुटी मिली थी, अब 17 से मान लो ये 19 चल रही है और वो पैसा दे नहीं रहे हैं। वो कहते अब नहीं मिलेंगे और 5,000 रुपया साहब रिश्वत के ले लिए हैं और 15,000 रुपया हमारे बकाया हैं। तो इसकी शिकायत नहीं की? हाँ हाँ साहब, आप इतान के कलेक्टर साहब को आवेदन दे दी है। तो क्या कहा कलेक्टर साहब? अब ले लें उनने, अब जो कुछ करें। कौन लोग हैं जिसने आपसे रिश्वत? अमर खान उप सेक्रेटरी हैं साहब। सर, इन लोगों का क्या आप प्रधानमंत्री आवास बने थे इनकी, इनके कुछ रुपया इनको मिला, 15,000 रुपया इन लोगों से लिया गया है साहब, तो बाकी कुछ रुपया इनका बाकी रह गया है इन लोगों का। इन लोगों ने कुछ कहा तो बोले देंगे ऊपर आज तक नहीं दिया, और इन लोगों ने कहा तो इनको धमकी भी देती है साहब। गाँव के हैं, दबंग आदमी हैं, और क्या है कि उन्हें के भैया समूह का खाना बनाते हैं, वो रोजगार सहायक होने के भैया, उन्हें की भाभी टीचर है वहाँ, मंगता पावड़ा वाले तो अलग पैसा वाले, तो हम लोगों को धमकी देते तो हम लोग नहीं कह पाते। तो आज हम लोगों ने सबने मिलकर जिला कलेक्टर साहब को आवेदन दिया तो रिसीव नहीं मिल पाए, उन्होंने जिला सचिव साहब को दे दिया। क्या नाम है उसका जो पैसे रिश्वत? उसका नाम रोजगार आमिर खान है, रोजगार सहायक है। तो लगभग एक आदमी से कितने कितने रुपये लिए? एक आदमी सर कोई 10,000 लिया, कोई 15,000 लिया, कोई 8,000 लिया और कोई 50,000 लिया। और एक पक्की खाया बने थे, सोने बनवा दो, हमें जानकारी तक नहीं दे। इनने क्या भी मेरा रोड डलवाया सर, तो हमने मतलब जिसने हमें डिमांड बना के जिस लेबर ने काम किया उससे खाते में पैसा डाल के दूसरे खाते में पैसा डाल दिए, जो उनके भाई के खास ससुर हैं, उनके साले हैं, और उनके खाते में पैसा डाला इनने। तो मान ले हमने फिर शिकायत की तो सीओ साहब ने और एसी साहब को इंक्वायरी के लिए आवेदन जाँच दी, तो उनने फिर जाँच करके थे गलत पाओ, तो उन्होंने सीओ साहब को आवेदन दिया कि गलत पाया गया रोजगार सहायक। मैंने पीसीओ साहब को आवेदन दिया कि जाँच कीजिए, पीसीओ साहब ने भी सीओ साहब को लिख कर आवेदन दिया कि हमें गलत है और मान ली परेशान कर रहा है, नाजा गुंडागिरी कर रहा है। हम लोगों ने कहा कि पैसा दे दूँ, कोई बात नहीं, गरीब हम दोनों को देना है, सरपंच कहाँ से पैसा देगा? तो उनसे भी उल्टा सीधा बोलता है सिकट्टी से, सिकट्टी ने कुछ कहा तो सिकट्टी को भी उल्टा धमकी दे रहे थे उनके भैया। तो सिकट्टी साहब ने गरीब मिलाया थानेदार को शिकायत अपना आवेदन दिया कि हमको रोजगार सहायक मानने की धमकी दे रहे हैं, किसी से दूसरे का ठकवा भी सकते, मरवा सकते हैं, अभी तक उसको कोई कार्रवाई नहीं। खबर दिन भर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। गहोई सेल्स एंड सर्विस में आकर्षक एक्सचेंज ऑफर के साथ आपको मिलेंगे कैंट, नसाका, यूरेका फोर्ब्स, एक्वागार्ड, टाटा स्वच्छ और यूनिलीवर प्योरिट के अलावा ल्यूमिनस बैटरी, हेवल्स, पद्मनी अप्लायंस, बजाज, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, सिंफनी, उषा, सेलो और इसके अलावा टेलीविजन रेंज में टाटा स्काई, एचडी, वीडियोकॉन, T2H और डिश टीवी की सुविधा, साथ ही साथ वी गार्ड और फिलिप्स के भी उत्पाद। भीषण गर्मी में राहत पाने के लिए कूलर और एसी की समस्त रेंज हमारे पास उपलब्ध है। डाइकिन एसी की परचेजिंग और सेल्स एंड सर्विस की सुविधा भी अब हमारे यहाँ उपलब्ध। तो आज ही आए गहोई सेल्स एंड सर्विस, कांग्रेस कार्यालय के सामने, छत्रसाल चौक, छतरपुर।